तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए सबसे पहले हम जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हो, डीएनएस हो या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो, IMUCET इज अ मस्ट। तो इसको यहां कर देते हैं भाई साहब को। तो जब मैं डीएनएस की बात करता हूं यहां से 17 साल से 25 साल की उम्र, बट प्लीज रेस्ट अश्योर्ड जितनी कम उम्र में दोगे 17 से 19 साल इज द आइडियल एज। जितनी एज लेट होती है उतना कंपनीज आपको बोलेंगे जय माता दी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इंपॉर्टेंट, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, लेडीज के लिए लड़कियां ज्वाइन करेंगी 2 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, PCM होनी चाहिए 10th में, कॉपीड 60% मिनिमम PCM में, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स के नंबर डिवाइडेड बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन 60। लेकिन ये एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम। अच्छी कंपनी में जाना है तो परसेंटेज 70, 75, 80, 90 जितनी अच्छी रखोगे उतना बढ़िया। क्योंकि जब कंपनी का इंटरव्यू देना, कंपनी पूछेगी व्हाट इज द 12th परसेंटेज, सर 62%, सर 67%, तो दिक्कत होगी राइट आगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं, 65 वालों का भी हुआ है, 67 वालों का भी, 61 वालों का भी हुआ है, बट देन दे हैव टू वर्क रियली वेरी वेरी हार्ड। कौन करना चाहता है मेहनत, अभी कर लो यार। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, और मिनिमम आपके इंग्लिश के अंदर 10th और 12th में से किसी एक में 50% से ऊपर हो जाए, 10th और 12th। देखो यहां भी गलती लिखी है, इट इज इधर 10th और 12th। सपोज कीजिए किसी टेंथ, किसी के 10th में 45 है लेकिन 12th में 60 है, तो भी वो DNS कर सकता है क्योंकि किसी एक में उसके 50 नंबर से ज्यादा है, 50% से ज्यादा। कॉपीड, मेडिकल हिस्ट्री सही होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए प्लीज कि क्या क्या बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आप हमारी वेबसाइट मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे जाओ, बाय कोर्सेज पे जाओ, एक कोर्स आएगा मर्चेंट नेवी मेडिकल का, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करके मिल जाएंगे, हर एक वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वो आप जाके हमारी वेबसाइट मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे कर सकते हो, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे प्लेलिस्ट में जाके मर्चेंट नेवी मेडिकल की एक प्लेलिस्ट बनी है, सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप DNS करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप अगर BSc कर रहे हैं तो भी आप IMUCET का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपने 12th PCB से कर लिया है तो भी आप IMUCET ज्वाइन कर सकते हैं, अगर PCM में 60% से कम है तो भी आप IMUCET कर सकते हो। कैसे वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। बट अगेन उसी तरह जब आप देखेंगे BTEC मरीन इंजीनियरिंग करनी है, तुलानी से करनी है, IIM कोलकाता से करनी है, जहाँ से भी करनी है, लगभग लगभग सेम क्राइटेरिया है। यहाँ पे BSc नॉटिकल साइंस के लिए एक एज क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया, आप ध्यान से देखेंगे 17 से 21 साल हो गया, बाकी सब सेम है।